Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. Again we are discussing our chapter of quadratic equation. ठीक है, last lecture तक हमने क्या किया था, sine of quadratic expression के बारे में कुछ theory वगैरह develop कर रखी थी. ठीक है, और हमने एक starting में sine of quadratic expression जैसे ही topic हमने start किया था, तो भी हमने एक particular point आपको बताया था कि f of 2 लिखना आपको आता है, लेकिन 4a plus 2b plus c भी पहचान में आना चाहिए कि ये क्या है, f2 है. ठीक है, तो उसी साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अपने पार्ट को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने एक टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, हम एक आध टाइप के और क्वेश्चंस यहाँ पे उससे रिलेटेड और कवर करने का ट्राई करेंगे. क्या दिया गया है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, अगर देखें आप सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सजेस्ट दैट दिस इक्वेशन हैज डेफिनेटली अ रियल रूट. कौन सा ये मतलब अगर कहा जाए क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स तो होंगे ही होंगे, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं. तो यहां पे कहा जा रहा है कि इनमें से किस सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, या फिर मल्टीपल चॉइस है ये. ठीक है, एक से ज्यादा सिचुएशंस के लिए भी ऐसा हो सकता है कि इस हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो, सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो, थर्ड भी ट्रू. मतलब हमें ये बताना है कि किस किस कंडीशन में हम ये श्योरली बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और जैसे ही हम ये कहेंगे एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो ऑफ कोर्स दूसरे रूट को भी क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा. खैर, तो आइए अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं ये सारे केसेस क्या लिखे हुए हैं. तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था आपको उल्टा इंटरप्रेट करने आना चाहिए. तो आप अगर वो चीज समझ पा रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि ए प्लस बी प्लस सी कैसा है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा कैसा है, एफ वन है ना. अगर मैं इसको एफ एक्स बोल दूं, ये मेरा एफ एक्स है, तो ये क्या लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट की सिर्फ मैं बात कर रहा. ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट्स अपने को एक एक करके डिस्कस करने हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया, a इंटू एफ के, a इंटू एफ के कैसा है, नेगेटिव कहा गया. क्या एफ के की जगह आप, सॉरी एफ के मत लिखो, आप लिखो a इंटू एफ वन नेगेटिव है. तो a इंटू एफ वन नेगेटिव है, इस बात का मतलब क्या हो गया, जो हमारी थियरी का पहला पॉइंट था, हमने यही बोला था ना कि अगर हम ये प्रूव कर लें कि a इंटू एफ एक्स हमारा नेगेटिव होता है किसी एक एक्स के लिए भी मान लो. ठीक है, और वो एक्स कहाँ आया होगा, वो एक्स रहा होगा अपना अल्फा और बीटा के बीच में. तो ए इंटू एफ एक्स नेगेटिव है, ये बात से ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारा ये केस वन वाली बात थी. और केस वन क्या था, केस वन यही सजेस्ट करता था कि डी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव. मतलब रूट्स कैसे रहे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, क्या a इंटू एफ वन हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, d कैसा था, पॉजिटिव था. क्यों, क्योंकि हमने यही कहा था अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं कि कोई भी ऐसा x है जिसके लिए a इंटू एफ एक्स हमारा नेगेटिव है, a इंटू एफ एक्स अगर हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इक्वेशन के एग्जिस्ट कर रहे होंगे. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए, सेकंड ट्राई कीजिए सबसे पहले तो और उसका सोल्यूशन, फिर ऐसे ही थर्ड ट्राई कीजिए उसका सोल्यूशन, देखते जाइए. ठीक है, सेकेंड का किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, सेकेंड में आप बताओ ये चीज क्या लिखी हुई है, तो फिर आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये मेरा जो कांस्टेंट टर्म था वो बदल दिया गया, यहां सी था यहां नाइन सी था. तो अपन क्या करेंगे, पहले नए वाले कांस्टेंट को पुराने वाले कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करते हैं, तो ए प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी को अपन क्या करेंगे, नाइन बाहर ले लेंगे, बचेगा ए बाई नाइन प्लस बी बाई थ्री प्लस सी. और ये चीज क्या है, ये चीज है हमारा एफ ऑफ वन बाई थ्री, यही है नाइन इंटू एफ ऑफ वन बाई थ्री, यही है हमारा ए प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी. फिर इसी तरीके से देखो ये क्या है, सिक्सटीन ए माइनस फोर बी प्लस सी, ये क्या है. तो आप देखो ये कैसे बनेगा, जब हम x की जगह माइनस फोर रखें, मतलब ये लिखा हुआ है हमारा एफ ऑफ माइनस फोर, ये डायरेक्टली है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म तो पहले ही से बराबर था तो हमें खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये कितना था, एफ ऑफ माइनस फोर के बराबर था. तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया, हमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी गई, एक तरीके से हम कहें तो 9 इंटू एफ ऑफ 1 बाई थ्री और इंटू एफ ऑफ माइनस 1 बाई फोर, ये प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव. 9 हटा लो, 9 डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो क्या बचेगा कि एफ ऑफ 1 बाई थ्री इंटू एफ ऑफ माइनस 1 बाई फोर इज पॉजिटिव, यही बचेगा. एफ ऑफ 1 बाई थ्री कैसा है, एफ ऑफ 1 बाई थ्री इंटू एफ ऑफ माइनस 1 बाई फोर कैसा है, पॉजिटिव है, ये कहा गया. अब इससे कोई बात क्लियर होती है क्या, एफ ऑफ वन बाई थ्री इंटू एफ ऑफ माइनस वन बाई फोर ये पॉजिटिव है, इससे कोई बात क्लियर होती है क्या, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो. ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, उतना ही ये बिना काम की चीज है जैसे हमारे पास वो था ए इंटू एफ के ग्रेटर देन जीरो,
a into fx greater than 0, वो भी किसी काम का नहीं था, ये भी किसी काम का नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत हो गई इसमें? इसमें दिक्कत ये हो गई कि जैसे देखो, अब यहीं से हमारी एक थ्योरी भी आ जाएगी, ठीक है? तो ध्यान से देखना इस वाले ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है। f ऑफ 1/3 into f ऑफ -1/4 पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि मैं कोई ग्राफ बनाने गया, मैंने कहा मेरा f ऑफ 1/3 पॉजिटिव आना चाहिए और f ऑफ -1/4 भी पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब यही होगा ना कि f ऑफ 1/3 और f ऑफ -1/4 दोनों का साइन कैसा था? सेम था। तो दोनों का साइन सेम है अगर, तो अपन क्या कह सकते हैं, ऐसा कुछ मान लो a पॉजिटिव था, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया a पॉजिटिव था, तो कैसा रहा होगा? 1/3 पे भी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। और -1/4 पे भी कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, तो एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी यार, हमेशा ही पॉजिटिव रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता था। अच्छा, और क्या सिचुएशन हो सकती है? ऐसा हो सकता था कि दोनों नेगेटिव हो जाए, भाई ये पॉजिटिव है मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो दोनों वैल्यूज कैसी हो जाए? पॉजिटिव, या फिर दोनों वैल्यूज कैसी हो जाए? नेगेटिव। मतलब यही ऐसा भी बन सकता था, -1/4 और इधर ले लिया मैंने 1/3, ठीक है, ऐसा भी ग्राफ बन सकता था, दोनों वैल्यूज कैसी हो गई हमारी? नेगेटिव हो गई। या फिर अब अच्छा, ए पॉजिटिव की बात कर रहे थे, सॉरी, तो ए पॉजिटिव की बात कर रहे थे, तो इसको हमें अलग से, एक तो ये हो गया। सेकंड और क्या सिचुएशन हो सकती है? ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों नेगेटिव रहे हो, दोनों नेगेटिव रहे हो। हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ए हमारा कैसा हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जबकि ए हमारा कैसा है? पॉजिटिव। कैसी सिचुएशन हो सकती है इस ऐसे में? -1/4 यहां था, 1/3 यहां था, ठीक है, और ग्राफ हमारा ऐसे चला गया। तो अब देखो, -1/4 पे भी रिजल्ट नेगेटिव, 1/3 पे भी रिजल्ट नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट लेकिन कैसा है? पॉजिटिव। तो यहां पे आप देखोगे कि कोई भी रूट नहीं बनेगा, लेकिन यहां पे आप देखोगे कि दोनों रूट बन गए, ठीक है, दो रूट एग्जिस्ट करने लग गया। ऐसे ही ये भी हो सकता था, ऐसा ही केस मैं लूं और मैं इसको ऐसा बना दूं, मान लो कि 1/3 -1/4, ठीक है, और मैंने कहा कि इस तरीके से कुछ है ना, मान लो यहां पे -1/4 था और यहां पे मान लो 1/3 था, तो f ऑफ 1/3 कैसा है? ऊपर लाई कर रहा है, पॉजिटिव। -1/4 पे कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी कैसा होगा? पॉजिटिव, लेकिन दोनों रूट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो आप देखो, यहां से कुछ भी आप नहीं कह पा रहे हो, आप कहीं नहीं पा रहे। क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि एम्बिग्युटी है ना, कभी रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दो केसेस में, ये भी, लेकिन एक सिचुएशन है कि रूट एग्जिस्ट ना करें, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि f ऑफ 1/3 into f ऑफ -1/4 ग्रेटर देन 0, इस बात से कुछ भी क्लेरिफाई नहीं हो पाया, ठीक है, ये बात कुछ भी सजेस्ट नहीं कर पाई ना। तो इसने ये श्योरली कहा कि भाई पक्का है कि रूट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कह पाया, और ना ही इसने ये कहा कि रूट होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे किसी काम का स्टेटमेंट नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसके बेसिस पे हम श्योरली कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, वो बात आप पॉइंट डाउन कर लीजिए। मे बी बोथ रूट्स आर रियल और मे बी बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। तो मे बी हम लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि श्योरली हम कुछ भी स्टेट नहीं कर पा रहे हैं। दोनों रूट्स का इमेजिनरी होना भी पॉसिबल है, दोनों रूट्स का रियल होना भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको जनरलाइज भी कर लेते हैं, आप इस चीज को वहां पे पॉइंट डाउन करके ये भी लिख लो, ठीक है। इफ एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन जीरो, क्या लिख रहे हो? इफ एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन जीरो, देन वी कैन नॉट कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स, बोथ रूट्स में भी रियल और बोथ रूट्स में भी इमेजिनरी। ये बात को आप पॉइंट डाउन कर लो वहां पे, ठीक है। तो अपन फिर इसके आगे थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट क्या स्टेट कर रहा है। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है? सी आपने देखा, सी को देख करके क्या पता चला? सी कैसे आएगा एफ ऑफ जीरो से। अच्छा, इसमें देखिए, तो इसमें तो कॉन्स्टेंट पार्ट बराबर है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एफ ऑफ -2 लिखा हुआ है, लेस देन जीरो, यही इंफॉर्मेशन दी गई। अब ये इंफॉर्मेशन अपने काम की है, ग्रेटर देन जीरो वाले इंफॉर्मेशन अपने काम के नहीं है, लेस देन जीरो वाले काम के इंफॉर्मेशन है। कैसे काम के हैं देखिए जरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि f0 और f ऑफ -2 का साइन अलग अलग था। तो जब f ऑफ 0, मान लो ये 0 है और यहां पे है तुम्हारा मान लो -2, ठीक है, f ऑफ 0 f ऑफ -2, आपका इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि f ऑफ -2 अगर पॉजिटिव होगा तो f0 कैसा होगा? नेगेटिव। और इसी तरीके से f0 अगर पॉजिटिव होगा तो f ऑफ -2 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर मान लो f ऑफ -2 नेगेटिव है, मतलब यहां कहीं आता है पॉजिटिव साइड में,
सॉरी एफ ऑफ माइनस टू अगर आपका पॉजिटिव है तो एफ ऑफ जीरो आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब आप सोचो कि ग्राफ पे एक पॉइंट यहां भी लाई करता है, एक पॉइंट यहां भी लाई करता है, मतलब एक पॉइंट ग्राफ पे एक्स एक्सिस के नीचे है, दूसरा पॉइंट ग्राफ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अगर एक पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, दूसरा एक्सिस के नीचे है, तो बीच जब ज्वाइन करोगे ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो फिर क्या होगा, एक्सिस बीच में थी ना, एक्सिस बीच में कट होगी ही भाई। यहां पे सोचो यही है ना तुम्हारी एक्स एक्सिस, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, दोनों को ज्वाइन किया तो बीच में एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट होगी। एक्स एक्सिस जैसे ही इंटरसेक्ट होती है वैसे ही हम क्या कह देते हैं कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे, ये बात ठीक है। इसी तरीके से और भी देखो और क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो एफ जीरो हमारा पॉजिटिव है, इस बार मैंने ऐसे कहा, और एफ ऑफ माइनस टू मेरा नेगेटिव है, तो अब सोचो फिर से वही बात भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में जीरो को तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में जीरो यानी कि एक्सिस को क्रॉस करना ही पड़ेगा, वैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव आने में जीरो यानी कि एक्सिस को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो अगर एक्सिस क्रॉस होगी तो इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो एफ जीरो इंटू एफ ऑफ माइनस टू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया पॉइंट। तो अब इस पॉइंट को भी आप लिख लो एक बार को, ठीक है, लास्ट वाले पे आपने कहा था एफ के वन इंटू एफ के टू ग्रेटर देन जीरो से आप कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाल पाते हो, लेकिन इसको अब लिख लो, क्या बहुत काम का पॉइंट ये भी है, ये भी उतने ही पॉइंट काम का है जैसे कि ए इंटू एफ के, हमने बोला कि ए इंटू एफ के अगर निगेटिव आ जाता है तो पक्का कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही होंगे। वैसे यहां पे भी इफ एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू, स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो, ठीक है, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत काम की बात है, ठीक। फोर्थ पार्ट में आते हैं, फोर्थ पार्ट क्या स्टेट कर रहा है, फोर्थ पार्ट स्टेट कर रहा है ए, चलो ए हमने लिख दिया, ए तो कैसे ही निकालेंगे किसी एक्स से, आप एक्स की जगह कुछ भी रखो ए तो नहीं आएगा, तो ए को हमने एज इट इज रखा। फिर यहां पे देखा हमने, यहां पे कांस्टेंट बदल गया है तो 49 हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, बचेगा क्या, ए बाई 49 प्लस बी बाई 7 प्लस सी, और प्लस यहां देखो सी ए माइनस बी प्लस सी, क्या है ये, इसको लिखो, ए 49 ए लिख दिया, और ये क्या था हमारा, ये था आपका एफ ऑफ 1 बाई 7, और प्लस इसको क्या बोलोगे एफ ऑफ जीरो, और इसको क्या बोलोगे एफ ऑफ माइनस वन। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव कैसे होगा, ये निगेटिव तभी होगा जब इन दोनों में से कम कोई तो निगेटिव हो, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई दोनों जीरो या पॉजिटिव लिखे हुए हैं और ओवरऑल निगेटिव हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, चाहे तो ये टर्म निगेटिव होगी चाहे तो ये टर्म निगेटिव होगी, ये भी हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो, ठीक है। अच्छा अब मैं इसमें अलग अलग केसेस लेता हूं, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट टाइप का फिर से अप्रोच दिखेगा, क्या है, अभी तक तो आप डायरेक्टली कह पा रहे थे, ठीक है, एक आध हमने स्टेटमेंट्स फॉर्मूले के तौर पे भी लिख लिए या फिर हमने एक आध पॉइंट्स और डिड्यूस कर लिए, इसमें क्या कहेंगे आप, इसमें आप अलग अलग केसेस कंसिडर कीजिए, कैसे, अगर एफ जीरो इंटू एफ ऑफ माइनस वन निगेटिव होता है, एक केस पहला मैंने ये लिया, f0 into f of minus 1 अगर मेरा negative होता है तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि यही वाला statement आपका use में आ जाएगा कि roots कैसे रहे होंगे, real रहे होंगे, f of 0 into f of minus 1 अगर negative है that means कि इस case में roots हमारे कैसे रहेंगे, real रहेंगे, पक्का है। अच्छा इस समय हमने क्या माना कि ये हमारा negative है, ये हमारा हो सकता है positive हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर ये निगेटिव है तो हम कह सकते हैं भाई दोनों में से कोई तो निगेटिव होना है ना, मैंने पहला केस लिया, अगर ये निगेटिव होगा तो क्या मतलब होगा उसका, इसका मतलब होगा रूट्स रियल है, ठीक है। अब दूसरे केस की बात करते हैं, अगर मान लो a इंटू एफ ऑफ 1 बाई 7 निगेटिव हो, केस टू भाई दोनों में से कोई निगेटिव होना है, केस वन जब ये निगेटिव हो जाए, केस टू जब ये निगेटिव हो जाए, जब केस टू निगेटिव हो मतलब केस टू अगर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, a इंटू एफ के निगेटिव लिखा है मतलब इसका मतलब यही है कि रूट्स फिर से कैसे रहे होंगे, रियल रहे होंगे, ठीक है। तो आपको पता था कि किसी ना किसी को निगेटिव होना है और कोई भी निगेटिव हो गया तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, इसका मतलब कि
ये इंफॉर्मेशन भी इस बात को कहने के लिए सफिशियंट है कि रूट्स कैसे थे, रियल थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे कुछ भी हम नहीं स्टेट कर पाए। यहां से अपन कुछ कह पाए थे और यहां से भी अपन कुछ कह पाए थे, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इस बात को प्रूव कर पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का कम से कम कोई रियल, सॉरी मतलब उनका कोई, उनके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें हमने सीखे? पहले तो हमने ये ध्यान दिया कि फिर से एफ जीरो, एफ वन, एफ ऑफ माइनस वन, 49 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन बाई सेवन, ये सब लिखना सीखा। और क्या सीखा? और ये सीखा कि a इंटू एफ के लेस देन जीरो है अगर, तो हर रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, a इंटू एफ के पॉजिटिव है तो रूट्स रियल नहीं होंगे, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू अगर पॉजिटिव है तो भी रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, ये चार पॉइंट्स आपने एक तरीके से कहिए इस क्वेश्चन में समझे हैं। ठीक है, और ओवरऑल कहें जो एक अच्छा क्वेश्चन इससे बना है वो ये है, बाकी तो आप थियरी एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, ये फोर्थ पार्ट वाला जो केस है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ये पर्टिकुलर टाइप यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, अपन कुछ और भी साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे एक तीसरे टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो फिर से हमारे पास ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपसे अब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि c पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव रियल रूट्स। ठीक है, इसके रियल रूट्स नहीं है, देन प्रूव दैट, तो एक्सप्रेशन प्रूव करते हैं, है ना। आप इसको देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या है, एफ ऑफ माइनस वन है। आप इसको देखोगे तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग भी एफ ऑफ समथिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये देख रहे हो रियल रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करते। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो मतलब ग्राफ हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, या फिर ग्राफ हमेशा ही कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब या तो वैल्यूज हमेशा ही कैसी रही होंगी, पॉजिटिव रही होंगी, या तो वैल्यूज हमेशा ही कैसी रही होंगी, नेगेटिव रही होंगी। ठीक है, मैंने आपको एक पॉइंट बोला भी था लास्ट लेक्चर में, अपने लास्ट में ये पॉइंट बोला भी था, इसको आपको लिखना था। क्या था ये, हमने ये बोला था कि अगर आपको पता चल जाए कि d हमारा नेगेटिव है, मतलब कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर आपका d नेगेटिव है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, और आपको ये पता चल जाता है कि भाई मेरा f ऑफ 1 नेगेटिव था, तो आप क्या कह देते हैं कि हमेशा ही कैसा रहा होगा f ऑफ x, पूरा का पूरा ही कैसा रहा होगा, कुछ भी x की जगह डालो हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मैंने कहा था ये। ठीक है, अगर आपको पता चलता है कि कोई रूट नहीं है, ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमें पता चले कि f1 पॉजिटिव था, तो हम बोल देंगे कि हमेशा ही कैसा fx रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसी बात का यहां पे यूज है। क्या कहा गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव एनी रियल रूट। तो सबसे पहला थॉट क्या आना चाहिए कि ग्राफ कैसा रहा होगा, ग्राफ या तो हमेशा x एक्सिस के ऊपर, या तो ग्राफ कैसा रहा होगा हमेशा x एक्सिस के नीचे। कौन सा वाला है, कैसे पता करेंगे, कुछ बताया तो गया नहीं, तो ये चीज बताई गई उसके लिए, c पॉजिटिव है। अगर c पॉजिटिव है तो आप देखो क्या बोलोगे, ये अगर मैं इसको एफ एक्स बोलता हूं तो मेरा f0 कितना है, f0 है मेरा 3c, और 3c कैसा हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया ना, f0 पॉजिटिव हो गया। तो अगर एक पॉइंट पे पॉजिटिव हो गया तो हमेशा कैसा होगा ग्राफ, पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉइंट पे fx की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो हमेशा ही कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी ही आएगी, और इसीलिए हमारा ये जो था f ऑफ माइनस वन वो कैसा है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है, ये बात जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गई, क्यों, क्योंकि f0 क्या था, 3c था, और इसने सजेस्ट कर दिया कि f0 कैसा है, पॉजिटिव है। अगर वो एक बार पॉजिटिव हो गया तो हमेशा ही कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट की डिस्कस करते हैं अब, लेकिन इसमें दिक्कत है, ये पता नहीं क्या लिख दिया 12c। तो हम क्या करेंगे, पहले पुराने वाले कांस्टेंट में चेंज करेंगे, पुराना वाला कांस्टेंट मतलब 4 कॉमन निकालो, तो बचेगा a by 4 plus b plus 3c। ठीक है, मतलब 4 times f of half, यही लिखा हुआ है। अब देखो आप, अगर f0 पॉजिटिव था तो f of भी पॉजिटिव होगा, और इसलिए ये रिजल्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीके से आप एक बार वीडियो पॉज करिए और इसको भी खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, इसमें क्या आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व सबसे पहले कर सकते हैं कि f0 कैसा है, नेगेटिव है। अगर f0 नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि fx कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बहुत दिक्कत की बात है।
एफ जीरो निगेटिव है तो एफ एक्स हमेशा कैसा होगा, निगेटिव ही होगा, क्योंकि रूट्स कैसे थे हमारे पास, रियल रूट्स थे ही नहीं, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के फिर नीचे ही लाई कर रहा होगा। तो अब आप देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है एफ वन, एफ वन मतलब ए प्लस थ्री बी माइनस थ्री, और वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव। इसी तरीके से ये क्या है, ये लिखा हुआ है आपका एफ टू, और एफ टू को फिर कैसा होना चाहिए, निगेटिव। तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है यहां पे, कॉमन रूट्स। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बीच में हमारे पास कुछ रूट्स कॉमन है नहीं है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और कॉमन होने की कंडीशन क्या है। ठीक है, एक तो तरीका यह हुआ सबसे पहले, अब ये जनरल सिंपल कॉमन सेंस है, इसके लिए कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको यह समझना चाहिए कि अगर आपको दो इक्वेशंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, और आपको कहा जा रहा है इनका एक रूट कॉमन है, एग्जैक्टली एक रूट इनका कॉमन है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ये अगर पॉसिबल हो कि आप दोनों इक्वेशंस के रूट्स निकाल लें, ठीक है, रूट्स निकाल लें और उनको आपस में कंपेयर कर दें, वहां से भी काम बन सकता है, उसमें तो कुछ भी खास हमें थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, कि अगर मान लो मैंने पहले इक्वेशन का रूट निकाला 1 3, दूसरे इक्वेशन का रूट निकाला मान लो आ गया अल्फा और अल्फा और कुछ आ गया अल्फा बीटा, ठीक है, इस तरीके का आ गया, तो कंपेयर कर लो भाई, कोई एक 1 होगा कोई एक 3 होगा, ठीक है, या फिर दोनों में एग्जैक्टली अगर एक ही रूट कॉमन है, ठीक है, ये तो दोनों रूट्स कॉमन होने के लिए हुआ, अगर एक ही रूट कॉमन है तो कुछ भी इस उनमें से आपस में कुछ इक्वल होने चाहिए, 1 इक्वल टू अल्फा होना चाहिए या फिर 1 इक्वल टू अल्फा बीटा होना चाहिए, मतलब इस तरीके की चीजें आप सिंपल कॉमन लॉजिक से सोच सकते हो। ठीक है, अपन बात करने जा रहे हैं उसी को थोड़ा और एक्सटेंड करके, थोड़ा और फॉर्मल तरीके से, कॉमन रूट्स में हम क्या क्या कंडीशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन रूट के बारे में डिस्कस करने के पहले अपन एक सिंपल सी बात ये करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या थे, 2 और 1। ठीक है, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² - 9x + 6 इक्वल टू जीरो, क्या रूट्स पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, मतलब इसके भी रूट्स क्या रहे, 2 और 1। आपने इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5x² + 10x - प्लस 15x यहाँ पे है ना, और -10 इक्वल टू जीरो, इसके भी रूट्स क्या, 2 और 1। ठीक है, तो इसमें क्या ही दिक्कत थी, हमने बार बार मल्टीप्लीकेशन किया किसी एक नंबर से, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो पहले रूट थे वही अभी भी क्या है, रूट्स सेम ही है, मतलब इक्वेशंस ही ऑलमोस्ट कैसी हैं, दोनों सेम है। ठीक है, बस कोफिशियंट्स अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन इक्वेशंस तो क्या है, सेम ही है अल्टीमेटली। ठीक है, इक्वेशन सेम क्यों है, क्योंकि रूट्स उनके एक ही तरीके, एक ही रूट्स हमें बार बार मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पहला केस इसमें लेना चाहता हूं कॉमन रूट्स में, क्या पहला केस में ये लेना चाहता हूं, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट अगर कॉमन है तो क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, तो दोनों रूट कॉमन कैसे हुए, जब आपने क्या देखा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को जिस टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, एक्स को भी मैंने उसी टर्म से मल्टीप्लाई किया, एक्स के कोफिशियंट को भी मैंने उसी टर्म से मल्टीप्लाई किया, और कांस्टेंट टर्म के भी कोफिशियंट को मैंने उसी टर्म से मल्टीप्लाई किया, सभी को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से आपने क्या किया, -5 से तीनों को मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस चीज को हम जनरलाइज अगर करना चाहें कि अगर मान लीजिए हमारी दोनों इक्वेशन है a1x² + b1x + c1 = 0 एंड a2x² + b2x + c2 = 0, ये दो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ऑफ कोर्स a1 a2 नॉन जीरो हैं, abc रियल है। अगर ये सारी बातें हैं तो क्या हम कॉमन रूट कब बोलेंगे, कि दोनों रूट्स कैसे कॉमन होंगे, दोनों रूट्स कॉमन मतलब दोनों इक्वेशंस ऑलमोस्ट सेम हो किसी एक टर्म से, जिस टर्म से हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करके a2 बनाया है, उसी टर्म से हमने b1 को भी मल्टीप्लाई किया हो, उसी टर्म से हमने c1 को भी मल्टीप्लाई किया हो, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई होगी, अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने वो चीज देख ली है कि अगर हम किसी एक इक्वेशन को किसी अलग अलग नंबर से पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट्स वही रह जाते हैं जो पहले थे। तो इस चीज को थियोरेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इस बात को कैसे लिखेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे कि जो a2 और a1 का रेशियो होगा वही b2 और b1 का भी रेशियो होना चाहिए, और वही सेम रेशियो c2 और c1 का भी होना चाहिए, a2 by a1 = b2 by b1 = c2 by c1, बस यही रिक्वायरमेंट है, a2 by a1 = b2 by b1 = c2 by c1।
अगर दोनों रूट्स हमारे कॉमन है तो ये कंडीशन आपके पास आएगी। ये बात ठीक है या इसमें कोई डाउट? क्या मतलब है इसका? a1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया, मान लो लेमडा से, तो a1 लेमडा a2 के बराबर हो गया। b1 को भी उसी लेमडा से मल्टीप्लाई करके b2 लाए होंगे, और c1 को भी उसी लेमडा से मल्टीप्लाई करके हमने c2 क्रिएट किया होगा। तो अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो दोनों रूट्स कॉमन होने की कंडीशन ये हो गई, a2 by a1 is equal to b2 by b1 is equal to c2 by c1। इसमें बिल्कुल भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। फिर हम बात करते हैं केस 2। इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, ठीक है, ये तो हो गया दोनों रूट्स कॉमन है उसकी कंडीशन, दोनों रूट्स कॉमन कब होंगे, कोफिशियंट्स में किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, मतलब इस बात पे फोकस करना, एग्जैक्टली की बात की जा रही है, ठीक है। अगर हमारा एक ही रूट कॉमन है, और एक ही रूट कॉमन है, दो रूट के लिए नहीं, एक ही रूट के लिए बात की जा रही है, तो हम क्या करें, हमने मान लिया कि इस केस की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है, इफ कॉमन रूट, ठीक है, सीआर मीन्स कॉमन रूट इज अल्फा, तो अल्फा की क्या खास बात होती है, काम की बात बताई थी मैंने, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मान लिया मैंने कि वो कॉमन रूट अल्फा है, दैट मींस a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 शुड बी इक्वल टू 0, सिमिलरली a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 शुड बी इक्वल टू 0, कॉमन रूट है ना, तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, पहली इक्वेशन को भी और दूसरी इक्वेशन को भी, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, अब ये 9th वगैरह में पढ़ाते हैं ना, 9th-10th में वो एलिमिनेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड क्या करते थे, उसमें अल्फा स्क्वायर डिवीजन में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड फॉर एलिमिनेशन, तो अल्फा स्क्वायर के कोफिशियंट को ढक दिया, क्या किया आगे, वही डिटर्मिनेंट वाला काम, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, तो b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, अगली बार अल्फा के कोफिशियंट को ढक दिया, यहां पे माइनस लगाते हैं, ठीक है, माइनस अल्फा ऐसा ढक दिया। अब फिर से डिटर्मिनेंट वाला काम, a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1 और इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को ढक देते हैं और यहां पे क्या बचेगा, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 ये बन जाता है। क्या कर रहे हैं हम, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर लिखा, इसके कोफिशिएंट ढकती है, बचा क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 लिख दिया, अगले वाले में माइनस अल्फा लिखना है, माइनस अल्फा लिख दिया, अब ढक दिया, a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू, इसको ढक दिया, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से देखो अल्फा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, बन गया तुम्हारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, यही बन गया। और वहीं अल्फा की बात करें तो अल्फा कितना आ रहा है, यहां से देख लेते हैं, अल्फा आ गया हमारा a2 c1 माइनस a1 c2 डिवीजन में a1 b2 माइनस a2 b1, ये अल्फा हो गया, एक अल्फा स्क्वायर हो गया। अल्फा को एलिमिनेट अब कर सकते हो क्या, क्या करोगे एलिमिनेशन के लिए, अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा आ गया, आप इसको बोल दो कि ये थर्ड है मान लो, और इसको बोल दिया मैंने फोर्थ, ठीक है, एलिमिनेशन के लिए क्या करूं, इसका स्क्वायर करूं तो वो इसके बराबर होना चाहिए, अल्फा तो हमें अपनी ओर से लगाया था, अल्फा कहीं दिया तो था नहीं क्वेश्चन में, तो अपन क्या करेंगे, अपन अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, कैसे कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके बराबर, तो a1 c2 माइनस a2 c1 था ये, a2 c1 माइनस a1 c2 डिवीजन में a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवीजन में a1 b2 माइनस a2 b1, यही हो गया, ठीक है। अब a1 b2 माइनस a2 b1 अगर आप देखो तो यहां यहां कैंसिल आउट भी होगा एक बार, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक बार को यहां यहीं पे लिख लेता हूं, a2 c1 का होल स्क्वायर, a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास क्या आया, b1 c2 माइनस b2 c1 इनटू ये एक बचा रह गया a1 b2 माइनस a2 b1, और इसी को बोले तो ये होती है हमारी कॉमन रूट कंडीशन। अगर एक रूट एग्जैक्टली कॉमन है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं आपकी गौर करने लायक, पहले तो आपके लिए प्रीफरेबल ये है कि इसको आप याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, एक थोड़ा सा मेथड मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ये फॉर्मूले, मतलब प्रोसीजर जो था हमारा,
कि प्रोसेस क्या था हमारा इसको सॉल्व करने का, क्योंकि अगर आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो जो हमें क्वेश्चन दिए होंगे उसमें आप फंस जाएंगे कैलकुलेशन में। तो बेहतर है ज्यादातर टाइम्स अपन क्या ट्राई करेंगे, अपन ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से इलिमिनेशन करिए, अल्फा स्क्वायर लिखिए, अल्फा लिखिए और फिर इसके स्क्वायर को इसके बराबर कीजिए, आपका बहुत सारा कैंसिलेशन होने लगेगा जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनमें। ठीक है, अगर उनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तब हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यही ट्राई करना चाहिए कि पूरा प्रोसेस फॉलो करें। अगर हम ये वाला और ये वाले दो लाइन अगर हमने लिखने का ट्राई किया तो जब हम अल्फा को इलिमिनेट कर रहे होंगे तो बहुत सारे टर्म्स हमारे कैंसिलेशन में आने लगेंगे, हमारा इक्वेशन बहुत सिंपल सा बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रिजल्ट आपको कैसे याद रखना है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो कैसे याद रखना है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये पहले पहले टर्म बताऊंगा ब्रैकेट में। ठीक है, याद कैसे रखना है उसकी बात कर रहे हैं। पहले पहले टर्म्स क्या है आप अगर वो लिख लेते हो तो देखो, अगर आपको पता चल जाए हाँ ए टू सी वन है तो दूसरे टर्म को लिख दो ए वन सी टू, आपको पता चल जाए हाँ बी वन सी टू है तो आप दूसरे टर्म को लिख दो बी टू सी वन, यहां पे आपको पता चल जाए ए वन बी टू है तो दूसरे टर्म को आप लिख दो ए टू बी वन। ठीक है, कैसे आपको याद रखना है, याद रखने के लिए आपका तरीका ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा, इसको ऐसा और ये घूम करके आ गया ऐसा। ठीक है, कैसे देख लो, ए वन बी टू ठीक है यहां पे आ गया एक ब्रैकेट में, बी वन सी टू एक ब्रैकेट में, ठीक है ए वन बी टू एक ब्रैकेट में, बी वन सी टू एक ब्रैकेट में, ये इक्वेलिटी के एक साइड रहेंगे और जिस टर्म का होल स्क्वायर करना है वो क्या होगी सी वन ए टू माइनस, अब सी वन ए टू अगर आपने लिख दिया तो दूसरा टर्म आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या किया मैंने ए वन बी टू लिखा, ठीक है ए वन बी टू लिखा तो उस ब्रैकेट में दूसरी टर्म क्या होगी ए टू बी वन होगा, बी वन सी टू लिखा तो दूसरी टर्म क्या होगी बी टू सी वन होगी। ठीक है, और अगर हमने राइट ये दोनों क्या कहां होंगे एक साइड होंगे इक्वेलिटी के, और दूसरी साइड में इक्वेलिटी के क्या होगा जो बचा हुआ है ऐसे घूम करके जाओ सी वन ए टू, तो सी वन ए टू तो दूसरा टर्म उसके बगल में क्या लिखा जाएगा सी वन ए टू था तो दूसरा होगा ए वन सी टू। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप प्रेफर करिए कि आप ये प्रोसेस फॉलो करें, प्रोसेस फॉलो करोगे तो कैलकुलेशन में आपको कम उलझना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड से ही दिखेगी। तो अपन देख रहे हैं कुछ कॉमन रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा, इसमें आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, आपको कॉमन सेंस अपना यूज करना है कॉमन रूट्स निकाल मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉमन रूट के। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया वो भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, अब मैं सोल्यूशन पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो पहले पॉज करके सॉल्व कर ले। क्या है यहां पे, ये जो इक्वेशन थी इसके तो रूट्स नोन है ना, टू और थ्री ये दोनों इसके रूट्स, और हमसे कहा जा रहा है कि इसका और इसका एक कॉमन रूट है। एक कॉमन रूट कहने का पहले तो इस पे वर्ड्स में कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, कॉमन रूट तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कहा है कि एक ही कॉमन रूट है, दो होगा तो नहीं मानेंगे हम, ऐसा नहीं कहा गया है। वह कॉमन रूट का मतलब है बहुत जेन्युइन तरीके से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि कोई रूट कॉमन था। ठीक है, अब वो एक रूट भी हो सकता है और दोनों रूट भी हो सकते हैं। कोई रूट कॉमन था इस बात को कहने का ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि दो नहीं होने चाहिए, उसने ये थोड़ी ना कहा कि एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन। तो सबसे ज्यादा मिस्टेक तो यहीं पे हो जाती है, हैव अ कॉमन रूट। तो इस पार्ट को आप मेंशन करना कि हैव अ कॉमन रूट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है कि हमारे पास एक रूट भी कॉमन हो सकता है और दो रूट भी कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो एक रूट भी कॉमन हो सकता है, दो रूट भी कॉमन हो सकते हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमें दोनों कंडीशन अलग अलग चेक करनी चाहिए। मतलब हमारे पास अगर दोनों रूट्स कॉमन हो उस समय ए की क्या वैल्यू होगी, या फिर उस समय के की क्या वैल्यू होगी, और अगर एक ही रूट कॉमन हो तो उस समय के की क्या वैल्यू पॉसिबल है, ये सोचना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हम। तो पहला केस मैंने लिया इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, तो बोथ रूट्स कॉमन में तो आपको कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर मतलब मल्टीप्लीकेशन वन से हुआ है, यहां सिक्स है यहां माइनस थ्री है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा भाई। अगर दोनों के कोफिशियंट्स में सेम रेशियो रहता ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तभी ना ऐसा होता कि दोनों रूट्स कॉमन हो, यहाँ पे तो है ही नहीं।
यहाँ पे x स्क्वायर कोफिशियंट में 1:1 का रेशियो है, लेकिन कॉन्स्टेंट टर्म्स में कुछ अलग रेशियो है, तो इसका मतलब बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन नहीं हो सकती। अब बात करते हैं हम वन रूट कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट। इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, ठीक है, तो एक रूट कॉमन कैसे आएगा इसकी बात करें। रूट इसके क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो कॉमन कैसे होगा, या तो 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा हो या तो 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, बस यही तरीका है ना कॉमन रूट का। भाई वो कॉमन रूट क्या हो सकता है, या तो वो कॉमन रूट 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, ठीक है ना। रूट्स हमें पता चल गया तो क्यों हमें उतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि भाई रूट्स हमारे पास क्या है, 2 और 3, इन्हीं में से किसी को कॉमन रूट होना पड़ेगा, विच मीन्स कि एक्स इक्वल टू 2 शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इफ 2 इज टू बी द कॉमन रूट। तो इफ 2 इज कॉमन रूट, इफ 2 इज कॉमन रूट, दैट मीन्स कि 2 इसको सेटिस्फाई करे, तो 4 + 4k - 3 इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या हो गया, k इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। और अगर इसी जगह पे हम कहें कि 3 कॉमन रूट हो जाए तब क्या होगा, तो इफ 3 इज कॉमन रूट, इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर 3 कॉमन रूट है तो सेटिस्फाई करना चाहिए 9 + 6k - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास 6k की वैल्यू कितनी आ गई, -6 के बराबर, और k यहां से कितना हो गया, -1 के बराबर, है ना। तो ये आपके पास दो सिचुएशंस हुए, या तो k की वैल्यू -1/4 होगी या तो k की वैल्यू -1 होगी, दोनों से काम चल जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें 2 भी एज अ कॉमन रूट चाहिए और 3 भी कॉमन रूट के तौर पे चाहिए, नहीं, ये कॉमन रूट बन गया तो भी अपना काम चल जाएगा, या तो ये कॉमन रूट 3 हो गया तो भी अपना काम चल जाएगा, तो इसीलिए k की दोनों वैल्यूज यहां पे एक्चुअली सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपके ऑब्जर्वेशन स्किल भी थोड़ी सी समझ में आएगी आपको, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, क्वेश्चंस को देख करके आप क्या क्या चीज़ें और उसमें गेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप पॉज कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, कैलकुलेशन बहुत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसी राह पे बढ़ रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिल रही है तो रुक जाइए, वापस से क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, और कुछ और सोचने का ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो सोल्यूशन में आपको सबसे पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व करनी चाहिए इसके बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3 का डी कैसा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3 का डी नेगेटिव है, और जिस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव होता है उसके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है, इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। क्यों ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोफिशियंट्स कैसे थे, रियल थे, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे हमारे इमेजिनरी कॉन्जुगेट्स। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि एक ही रूट कॉमन हो, ऐसा होगा क्या कि भाई यहां पे भी एबीसी सब कैसे हैं, रियल है। एक बार को मैं ये लिख लेता हूं, एबीसी कैसे हैं, हमारे पास रियल है, ए ऑफ कोर्स हमारा नॉन जीरो है, ठीक है। तो एबीसी अगर हमारे पास रियल है और ए हमारा नॉन जीरो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3 इक्वल टू 0 के रूट्स कैसे होंगे, कुछ इस तरीके के होंगे, p + iq p - iq इसी तरीके के होंगे इसके रूट्स, ठीक है। तो आप बताओ, अगर रियल कोफिशियंट वाला एक दूसरा क्वाड्रेटिक लिखा जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कह दें कि भाई इसका p + iq तो दोनों का रूट है लेकिन p - iq इसका था इसका नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या। अपन क्या कह रहे हैं, मान लो ऐसा आता है यहां से 1 + 2i, ठीक है, 1 + 2i इसका रूट है और 1 - 2i मान लो इसका रूट है, ठीक है। अब मैं क्या ऐसा कहूंगा कि भाई 1 + 2i तो मेरा कॉमन रूट हो गया था लेकिन 1 - 2i मेरा रूट नहीं आया, इसको सेटिस्फाई करने वाला 1 + 2i था लेकिन 1 - 2i इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। क्यों, क्योंकि एबीसी कैसे है, रियल है, और एबीसी रियल है तो इसके भी पेयर्स कैसे, मतलब कॉन्जुगेट पेयर ही होंगे रूट्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ओवरऑल इस दोनों बातों को कहने का मतलब क्या था कि ये p + iq है और p - iq अगर इसके रूट्स हैं, और अगर p + iq इसको सेटिस्फाई करता है तो ऑफकोर्स p - iq भी इसका रूट होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि रूट्स इसके भी कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स, बिकॉज इट इज गिवन दैट एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। बात समझ में आ रही है आपको। चूंकि हमारे पास यहां पे हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना चाहिए था डी निगेटिव है, डी निगेटिव है, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि सिंगल कॉमन रूट हो ही नहीं सकता, दोनों रूट्स को कॉमन होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके कोफिशियंट्स कैसे थे, रियल थे, ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो एक बार आप खुद से सोचना, आप मान के इसके रूट्स निकाल के देखना,
आपके पास रूट्स कुछ आ जाएंगे, 1 प्लस रूट 2 आयोटा, 1 माइनस रूट 2 आयोटा, शायद इस तरीके के आए, ठीक है। तो 1 प्लस रूट 2 आयोटा आप देखना कि इसको सेटिस्फाई अगर मान लो मैं कराने की सोचूं तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि 1 माइनस रूट 2 आयोटा इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा? अगर 1 माइनस रूट 2 आयोटा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एबीसी हमारे रियल ही नहीं रहेंगे, क्योंकि रियल के लिए तो कॉन्जुगेट बनना चाहिए था रूट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन रूट यहां पे एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट हो ही नहीं सकता। ये कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चंस में ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की चीजें आपको कॉमन रूट में देके कैलकुलेशन में उलझा दिया जाता है, जबकि आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन हो ही नहीं सकता ऐसे में। तो बोथ रूट्स आर कॉमन, इसका सीधा मतलब ये है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, और दोनों रूट्स कॉमन हैं, इस बात का मतलब क्या होता है? ए मतलब यहां पे कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो ए बाई 1 इज इक्वल टू बी बाई 2 इज इक्वल टू सी बाई 3, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं क्या करता हूं, नॉर्मली के मान लेता हूं, तो ए मेरा क्या हो गया के, बी मेरा क्या हो गया 2k, और सी मेरा क्या हो गया 3k, ठीक है। अब रेशियोज निकाल लो, ए टू बी एस टू सी के, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहां पे एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बारे में फिर से आप पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। तो इस बार आपने देखा होगा कि यहां पे डी कैसा है, नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, तो दोनों रूट्स को कॉमन होना चाहिए, बोथ रूट्स शुड बी कॉमन, बोथ रूट्स मस्ट बी कॉमन, ठीक है, बोथ रूट्स मस्ट बी कॉमन। और दोनों रूट्स कॉमन कब होंगे, जबकि वही 3 by 1 इज इक्वल टू यहां ए है, यहां पे 3 है, यहां पे बी है, यहां पे 5 है। तो आपका इसका मतलब ए कितना गया 9 और बी कितना हुआ 15, तो यहां से आ गया ए इज इक्वल टू 9 एंड बी शुड बी इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये वाला बात काफी इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस जहां पे रूट्स हमें एक ऐसे इक्वेशन के दिए गए हैं जिसके इमेजिनरी रूट्स हैं, तो ऐसे में हमारे पास दोनों रूट्स को ही कॉमन होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 रूट की कंडीशन वहां पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और बाकी ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इसके लिए आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, कॉमन रूट से रिलेटेड ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो आइए अब हम देखते हैं एक टिपिकल क्वेश्चन कॉमन रूट्स का किस तरीके का पूछा जाता है, ठीक है। इसमें हमने दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ली हैं, आपको कई बार एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक के बीच भी बात करनी पड़ेगी कि कुछ रूट्स कॉमन है, वो कैसे होगा वो थोड़े बहुत आइडिया आपको अगले टॉपिक के अंदर लग जाएगा जो इसी में कॉमन रूट्स में ही हम कवर करने वाले हैं। वैसे अपन इस क्वेश्चन पे भी फिलहाल क्वाड्रेटिक पे ही फोकस करते हैं। क्वाड्रेटिक पे अगर आप देखें तो आपको क्या कहा गया कि जैसे ही हैव अ रूट इन कॉमन कहा जाए तो आपको सबसे पहले तो ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि रूट एक भी कॉमन हो सकता है और रूट दो भी कॉमन हो सकते हैं। हैव एग्जैक्टली 1 रूट नहीं कहा है, तो हैव अ रूट इन कॉमन मतलब एक रूट भी कॉमन हो सकता है और दो रूट्स भी कॉमन हो सकते हैं। तो पहला केस आप लेंगे, मतलब पहले तो आपको यह समझना है कि इसमें दो केसेस बनेंगे, दो केसेस क्या, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, सेकेंड If exactly 1 root is common. तो if both roots are common, if both roots are common, अगर दोनों roots common है तो, अगर दोनों roots common है तो क्या होगा, coefficients का ratio बराबर रहेगा। तो 1 by 1 है ना, x square coefficients, इसका a plus 3, इसका 7, इसका 4, इसका 3, ठीक है। तो यहां से आप देखो इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है, a इक्वल टू 4, ठीक है, और इन दोनों से क्या निकल करके आ रहा है, इन दोनों से निकल करके आ रहा है a इक्वल टू 4 by 3, यही हो गया। तो आपको तो ऐसा ही चाहिए था ना जिससे कि तीनों आपस में बराबर हो जाएं, आपको ऐसा a मिला ही नहीं, आपको a मिला, एक a मिला जिससे कि ये दोनों बराबर होते हैं, एक a मिला जिससे कि ये बराबर होते हैं, ऐसा कोई ये है ही नहीं जिससे कि तीनों आपस में कैसे हो जाए बराबर हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब दोनों रूट्स कॉमन हो ही नहीं सकते, ये बात ठीक थी, दोनों रूट्स कॉमन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा ए नहीं है जिससे कि तीनों आपस में बराबर हो जाएं फ्रैक्शंस। केस टू पे आते हैं, केस टू, अगर एग्जैक्टली 1 रूट इज कॉमन, इफ एग्जैक्टली 1 ठीक है रूट इज कॉमन, ठीक, एक रूट कॉमन है तो क्या करते हो आप, मैंने कहा था प्रोसेस फॉलो करना, डायरेक्ट रिजल्ट से भी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन में उलझ सकते हो, इसीलिए मैंने कहा बेहतर है कि आप मतलब थोड़ा सा इसको प्रोसेस फॉलो करेंगे। हो सकता है कई बार इस तरीके क्वेश्चंस करते हैं ना तो क्यूबिक बन जाती है,
ठीक है, फाइनली ए आता है कि हमारे पास ए में एक क्यूबिक बन गई, अब ए निकालो, घबराना नहीं उससे। आप लोग लास्ट तक ऐसा होता है कि जब भी आपको ए मिल गया तो आप मतलब क्यूबिक मिल गई तो आप उसमें परेशान हो जाते हो कि भाई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं, क्यूबिक अगर बनी है और उस मेथड से सॉल्व होना है ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे आप अभी तक निकालते आओ क्यूबिक के रूट्स कैसे निकालते हो, पुट करते हो 1, 2, -1, यही काम करते हो ना, वही काम अभी भी करो, 1, 2, -1, -2, ये सब रख करके देख लिया कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है कौन सा नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। उनमें से पक्का मैक्सिमम टाइम आप देखोगे क्वेश्चंस में कोई ना कोई 1, 2, -2, -1 और इसी तरीके से आप कह लो कभी कभी हाफ वगैरह भी दे दिया जाता है जो कि आपका एक रूट हो, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल के अलावा आपके पास क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए मेथड एग्जिस्ट करते हैं बट वो जेई के सिलेबस के बाहर के हैं, ठीक है। इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन की बात कर ले रहे थे हम, तो आपने कहा कि रूट मान लो वो क्या होता है, अल्फा होता है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0, और इधर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 3 ए इक्वल टू 0। अब क्या करना था, आगे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से इलिमिनेट करना था किसको, अल्फा को, क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर डिवीजन में अल्फा स्क्वायर को ढक दिया, इधर क्या लिखा है माइनस ए प्लस 3 इंटू 3a, ठीक है, यही है ना, अल्फा स्क्वायर को ढक दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, ठीक है, माइनस ए प्लस 3 इंटू 3a, माइनस करना है आपको क्या, माइनस 7 इंटू 4, यही है, तो माइनस 7 इंटू 4 क्या हो गया, माइनस 28, ये लिख दिया आपने, माइनस अल्फा डिवीजन में क्या आएगा, तो इसके कोफिशियंट ढक दिए, क्या आया इधर से, 1 यहां था, 3a यहां, 3a हो गया, माइनस कितना हुआ आपका 4, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट अब 1, तो इसको ढक दिया, इसको ढकने पे क्या आएगा, यहां यहां कोफिशियंट क्या था 1 इंटू माइनस 7, माइनस यहां पे 1 इंटू ये पूरा, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा a प्लस 3, लेकिन वो कैसा होगा, प्लस का होगा ये बात, ठीक है, क्या यहां पे 1 है और इधर माइनस ए प्लस 3 है, तो माइनस ए प्लस 3 आएगा, आगे नेगेटिव साइन लगाना था तो मैंने पहले ही ए प्लस 3 लिख दिया उसको, ये बात ठीक थी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहां से देखिए क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर डिवीजन में ये बन गया तुम्हारा माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a और प्लस 28 इज इक्वल टू इधर से क्या आया, माइनस अल्फा डिवीजन में 3a माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू इधर से कितना आया 1 अपॉन a प्लस 3 माइनस 7 मतलब a माइनस 4, ठीक है, एक बार को ट्राई कर लो, इसके कोई फैक्टर्स हैं क्या, तो मैं एक बार को इसको लिखना चाहूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, माइनस कॉमन ले लिया 3a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 28, ठीक है, तो 84 के कोई ऐसे फैक्टर्स हैं क्या जिनका डिफरेंस वगैरह 9 हो, तो 12, 7, 14, 6 और तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो मतलब यहां से अपनी बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, कोई नहीं, चलो यहाँ पे जो हमारा टारगेट था एक सब करने का वो क्या था कि हम मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन से बच जाएंगे, अगर ये फैक्टर्स हो जाते इसके, हो सकता था एक आध फैक्टर किसी से कैंसिल आउट होने लगे, कैंसिल आउट होते तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन हमें पूरी करनी पड़ेगी। क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर को आप सीधा इससे कंपेयर करो तो अल्फा स्क्वायर आपका कितना आ जा रहा है, आपका अल्फा स्क्वायर है 3a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 28, डिवीजन में क्या आ गया a माइनस 4, बल्कि a माइनस 4 नहीं, माइनस साइन हटा करके 4 माइनस ए लिख देते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से यहां पे अल्फा की बात करूं तो अल्फा कितना हो गया हमारा 3a माइनस 4 अपॉन 4 माइनस ए, ठीक है। अब अल्फा एलिमिनेट करने का प्रोसेस क्या था कि इसका स्क्वायर करो वो कैसा होगा, इसके बराबर आएगा, तो यहां से आया आपके पास 3a माइनस 4 अपॉन 4 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा एलिमिनेट कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर है 3a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 28, डिवीजन में क्या है हमारे पास 4 माइनस ए, ठीक है, तो 4 माइनस ए वाला ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर दो, 3a माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया 4 माइनस ए इधर गया, तो 4 माइनस ए इंटू 3a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 28, अब यहां पे आपकी क्यूबिक बनने लग गई, ठीक है, तो अब आपको ये क्यूबिक बनानी है, ठीक है, एक बार को मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 3a माइनस 4 इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 12a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 है,
तो 36 से माइनस कितना है 112, माइनस 3a क्यूब और माइनस 9a स्क्वायर प्लस 28. आपके पास एक क्यूबिक ओवरऑल बनेगी, क्लब कर लो. चूंकि मुझे इसका रिजल्ट पता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं. आपको वही प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 रख करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है. यहां पे आप चेक करोगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास 2. ठीक है, जब आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा इसका ये माइनस 2, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक भी बचेगी a के टर्म्स में इक्वल टू 0. अब आप वो क्वाड्रेटिक भी देख लो, वो क्वाड्रेटिक से भी आपके पास a के दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनमें आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़े. तो यहां पे आपके पास तीन रूट्स आने वाले हैं. एक क्वाड्रेटिक वाले से आ जाएंगे दो रूट्स, वो भी इरेशनल टाइप के होंगे, और यहां पे एक रूट और आ गया आपका a के टर्म्स में, a इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो क्या प्रोसेस था, हमने क्या किया, जो कॉम मतलब पहले तो कहा हैव अ रूट इन कॉमन, तो दोनों कंडीशंस हमने चेक की, एग्जैक्टली वन रूट और एग्जैक्टली टू रूट्स. टू रूट्स पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऐसा कोई ए मिला नहीं कि ये सभी आपस में बराबर हो जाएं, तो हमने एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन का केस लेना पड़ा. वन रूट इज कॉमन वाले में हमें प्रोसेस से गए, हम प्रोसेस से जब गए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से इलिमिनेशन का ट्राई किया, लेकिन अपने साथ डिस्कम्फर्ट ये हो गई कि भाई हमारे पास कुछ कैंसिलेशन वगैरह पॉसिबल नहीं हुआ. जब कैंसिलेशन नहीं हो पाता है तो हमें ऑफकोर्स यहाँ पे कई बार देखेंगे आप क्यूबिक वगैरह बन जाएगी, तो वो क्यूबिक बनाई और क्यूबिक के हमने फैक्टर्स निकाले कि क्या क्या हो सकते हैं. तो कॉमन रूट्स के लिए जो हमने अभी तक कंडीशंस पढ़ी उनके अलावा भी एक और मेथड एग्जिस्ट करता है. वो मेथड क्या है, वो मेथड अपन अभी डिस्कस करेंगे, जिसको अपन क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अल्टरनेट मेथड. ठीक है, तो इस मेथड में क्या है, सबसे पहले मैं इसका थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका सेंस क्या है. ठीक है, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से ये पूरी थ्योरी अप्लाई होगी उस पर अपन डिस्कस करेंगे. तो आप देखिए, अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है fx इक्वल टू 0, ध्यान रहे हमने क्या बोला, पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो fx इक्वल टू 0 के रूट्स मान लीजिए आपको कहा जाए कि अल्फा बीटा है. ठीक है, और एक दूसरा पॉलिनोमियल इक्वेशन है gx इक्वल टू 0, और इसके अगर कहें तो हमारे पास रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है मान लीजिए. ठीक है, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन था और ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक था. तो अब देखिए इसमें क्या है, अल्फा और बीटा को मैंने दिखाया है कि अल्फा और बीटा दो ऐसे कॉमन रूट्स हैं जो कि इसको भी और इसको भी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, अच्छा तो इसके आगे क्या बोल सकते हैं, ये मैंने पहले fx इक्वल टू 0 एक तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और gx इक्वल टू 0 हमारी सेकेंड इक्वेशन है. ठीक है, बात अब आगे बात करते हैं जो मेन थियोरेटिकल इसका पोर्शन है. मैं यहां से फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाली जो इक्वेशंस हैं fx इक्वल टू 0 और सेकंड है gx इक्वल टू 0, इनसे मैं एक तीसरी इक्वेशन बनाना चाहता हूं. क्या है वो मैं बना लेता हूं k1 into 1, ठीक है, और प्लस मैं कर देता हूं k2 into 2. ठीक है, k1 into 1 प्लस k2 into 2. ठीक है, और इसको मैं डिस्कस करता हूं एक बार, तो क्या बनेगी वो इक्वेशन, वो इक्वेशन हो जाएगी आपकी k1 into fx प्लस k2 into gx इक्वल टू 0. और ऑफ कोर्स इसका साफ साफ मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई k1 और k2 0 नहीं होंगे. ठीक है ना, इतनी बात. तो k1 fx plus k2 gx इक्वल टू 0 इसकी बात कर रहा हूं. मैंने ये एक नई इक्वेशन बनाई और इसको मैंने क्या नाम दिया, 3. ठीक है, अब आप देखिए, अगर अल्फा की बात करूं मैं, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता था, मतलब क्या था, f ऑफ अल्फा कितना होगा, 0 के बराबर. अब अल्फा अगर मैं यहां पे रखता हूं x इक्वल टू अल्फा, तो इसका मतलब क्या होगा, k1 f अल्फा प्लस k2 g अल्फा. मतलब x इक्वल टू अल्फा की अगर हम बात करें तो k1 f अल्फा आएगा प्लस k2 g अल्फा आएगा. आप देखो g ऑफ अल्फा भी क्या था, 0 था, f ऑफ अल्फा भी क्या था, 0. इसका मतलब कि ये भी 0 है, ये भी 0 है. इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 0. तो ये जो हमारी तीसरी इक्वेशन बनी थी k1 fx plus k2 gx equal to 0, ये 4 डिग्री की एक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, भाई ये 4 डिग्री का था, उसको किसी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया और प्लस आपने कुछ सेकंड डिग्री की टर्म जोड़ दी, तो ओवरऑल टर्म कैसी बनी हमारी, फोर्थ डिग्री की बनी या नहीं, फोर्थ डिग्री की बनी. अब इस फोर्थ डिग्री की टर्म में आप देखो x equal to alpha उस 4 डिग्री की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, सही है बात. अच्छा आप देखो x equal to beta, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा था, k1 f ऑफ बीटा प्लस k2 g ऑफ बीटा. g ऑफ बीटा f ऑफ बीटा सब 0 है, इसलिए x इक्वल टू बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. गामा के बारे में देखो जरा, x इक्वल टू मान लो गामा रखो,
x इक्वल टू गामा, तो ये क्या बनाएगा, k1 f ऑफ गामा प्लस k2 g ऑफ गामा। तो g ऑफ गामा तो चलो जीरो हो गया, लेकिन f ऑफ गामा तो नॉन जीरो रहेगा ही रहेगा ना भाई। ऐसे समझो क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स रहे होंगे ना, अल्फा और बीटा, उसके लिए गामा थोड़ी ना, f गामा थोड़ी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात जब चल रही थी तो क्वाड्रेटिक है ना अपना f, f जो है सिर्फ दो ही वैल्यूज पे जीरो होता है, कहां कहां पे, अल्फा बीटा पे। तो इसका मतलब गामा पे वो कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी प्लस जीरो, ये वैल्यू कैसी आएगी, नॉन जीरो आएगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू गामा इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं x इक्वल टू डेल्टा भी इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अब ये जो मैंने पूरी कहानी आपको बताई, इसका सेंस क्या था, इसका सेंस ये था कि अल्फा और बीटा जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते थे, ये फाइनली उनके कॉम्बिनेशन से बनी हुई किसी तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और बाकी जो रूट्स थे हमारे जो कॉमन नहीं थे वो इन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। ये बात आपको समझ में आ गई। क्या किया हमने, दो पॉलिनॉमियल इक्वेशंस लिए और फिर हमने कहा कि उनके कॉम्बिनेशन से एक तीसरी इक्वेशन बनाई। उस तीसरी इक्वेशन को जो कॉमन रूट्स थे वो तो सेटिस्फाई किए, लेकिन बाकी रूट्स उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ठीक है, इतनी बात, इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा अब मैं इसको उल्टा भी कहूं, मान लो कि मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन थी, और मैं उल्टा कह रहा हूं, क्या मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन थी और मेरे पास एक सेकेंड इक्वेशन थी, क्या मैं थर्ड और सेकेंड से फर्स्ट बना सकता हूं? तो जैसे आप फर्स्ट सेकंड से थर्ड बनाए थे, वैसे ही आप थर्ड और सेकंड से फर्स्ट भी बना सकते हो। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं ना, जैसे मैंने कहा कि थर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड थ्री। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? थ्री में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, के टू टाइम्स ऑफ टू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यही चीज मैंने कही कि जैसे वन टू का कॉम्बिनेशन थ्री है, वैसे ही थ्री टू का कॉम्बिनेशन वन है, या थ्री वन का कॉम्बिनेशन टू है, कह सकते हैं। तो थ्योरी हमारी क्या निकल करके आती है यहां से, यहां से हमारी थ्योरी ये निकल करके आती है, और ये थ्योरी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए वैलिड है। क्या, कि अगर हमारे पास दो अलग अलग पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं जिनके कुछ रूट्स कॉमन है, तो जो कॉमन रूट्स होंगे, अगर वो कॉमन रूट्स हैं वहां पे, एफ एक्स और जी एक्स के कुछ कॉमन रूट्स अगर हैं, तो उनके वन और टू के कॉम्बिनेशन से जो तीसरी इक्वेशन आएगी उसमें भी वो कॉमन रूट्स सेटिस्फाई करेंगे, वो अभी भी रूट का काम करते रहेंगे। मतलब वन और टू के कॉम्बिनेशन से हम कुछ भी लिख दें, उसको वो कॉमन रूट्स सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, वन और टू के कॉम्बिनेशन से ऐसा कुछ भी हम बना लें, उसको ये दोनों कॉमन रूट्स जो थे वो कॉमन रूट्स हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। बाकी और भी रूट्स उसके एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं, उनके बारे में कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन अपन क्या कह रहे हैं कि जो कॉमन रूट्स होंगे वो तो फाइनल इक्वेशन के, इस इक्वेशन के भी रूट्स होंगे ही होंगे। ये बात ठीक है? ठीक है बात, अब आगे बढ़ते हैं कि इसका क्वाड्रेटिक में क्या सिग्निफिकेंस है। ये बात हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं और क्या करने वाले हैं इसका क्वाड्रेटिक के अंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहेंगे हम, अगर हमें पहले से पता है क्या चीज, सबसे पहली कंडीशन यही है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन भी यही है कि अल्टरनेट मेथड जो है आप कब यूज कर सकते हो, अगर हमें पहले से पता है। ठीक है, इफ इट इज ऑलरेडी नोन, ठीक है, अगर हमें पहले से पता है कि हमारे पास जो दो इक्वेशन है उनका कम से कम एक रूट कॉमन है, ठीक है, इफ इट इज ऑलरेडी नोन दैट, बल्कि आपको एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट इज कॉमन, ठीक है, दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट इज कॉमन, ठीक है, अगर आपको यह बात पहले से पता है तो ही आप इस मेथड को यूज करेंगे, अदरवाइज आप इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। इसको मैं फिर से हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक हमें यह कहना दिया जाए कि रूट्स कॉमन है तब तक आप इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये मान लीजिए आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, ये बात ठीक थी। तो आप क्या करिए, आपको ये पता है कि भाई अगर अल्फा और बीटा मान लो पहले के रूट थे और दूसरे के रूट अल्फा गामा थे, मतलब अल्फा क्या था, दोनों का कॉमन रूट था। ठीक है, तो अगर आप पहले वाली इक्वेशन को ए टू से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाली इक्वेशन को ए वन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस लें, तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर की टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपने क्या किया, फर्स्ट वाले को a2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को a1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? ताकि आप x स्क्वायर के कोफिशियंट्स को कैंसिल आउट कर पाए, डिफरेंस लिया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए सारे x स्क्वायर के टर्म्स। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा b1 a2 है ना माइनस b2 a1 इंटू x प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू जीरो, यही आपके पास आया, ठीक है। और यहां से ये तो लीनियर बचा ना, अगर लीनियर बचा है तो लीनियर तो एक ही रूट देगा, और वो रूट कौन सा होगा, वो रूट कॉमन रूट ही होगा, क्योंकि 1 2 के कॉम्बिनेशन से हमने ये तीसरी इक्वेशन बनाई है, और इस तीसरी इक्वेशन को वो कॉमन रूट सेटिस्फाई करना ही चाहिए। 1 2 के कॉम्बिनेशन से हमने ये तीसरी इक्वेशन बनाई है और उसको 1 2 का जो कॉमन रूट था वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और हमें बेनिफिट इसलिए मिल गया कि ये लीनियर इक्वेशन थी। अब अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो एक ही रूट देगा, और वही रूट क्या रहा होगा, कॉमन रूट रहा होगा। बात आपको समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं 1 2 के कॉम्बिनेशन से 3 बनाया, तो हमने यहां बोल दिया कि 1 2 के कॉम्बिनेशन से जब हम 3 बनाएंगे और 1 2 में कुछ कॉमन रूट रहेगा तो वो तीसरे वाले को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। और यहां से तो एक ही रूट मिल रहा है, तो ऑफकोर्स वही रूट क्या था, कॉमन रूट था, तो यहां से आपके पास कॉमन रूट सीधा सीधा निकल करके बाहर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार, मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे जहां पे ये मेथड आपके स्टेप्स को बहुत इजी कर देगा, ठीक है, आपको सीधा पता चल जाएगा कि कॉमन रूट कौन सा है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये अप्लाई हो पाए, ठीक है। आप कहें तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये कई बार चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास दोनों मेथड्स है, क्वेश्चंस टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि हम किस मेथड के यूज से ज्यादा आसानी से रिजल्ट बना पा रहे हैं, ठीक है। तो इस मेथड से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पे समझना है कि हम जो मेथड अभी डिस्कस कर रहे थे इसका यहाँ पे यूज क्यों हो सकता है और कैसे ये हमें ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया कि हैज अ कॉमन रूट, मतलब हमें पहले ही बता दिया गया कि इन दोनों इक्वेशन का कम से कम एक कॉमन रूट है, ठीक है, और ऐसे में हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बता दिया गया है। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से भी, ठीक है। आप बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन तो आप अलग से डिस्कस करोगे ही करोगे, तो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन वैसे आप चाहो तो देख सकते हो यहां पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर के कोफिशियंट सेम है लेकिन x के कोफिशियंट बदल चुके हैं, ठीक है, और यहां कांस्टेंट टर्म भी बदल चुका है, तो ओवरऑल हमें ये पता है कि बोथ रूट्स कॉमन नहीं हो सकते। आप चाहो तो वेरीफाई कर लो कि 1/1 इज इक्वल टू ए प्लस 2/ए प्लस 3 इज इक्वल टू 3a/5a, ऐसे करके आप देख लो, अगर ऐसा कुछ a मिल जाता है तो ठीक है। वैसे मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा कोई a एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमें वैसे तो हमें करना दोनों था, केस वन आप भूलो नहीं, केस वन आपको बोथ रूट्स कॉमन के लिए देखने ही थे, ठीक है, बोथ रूट्स कॉमन, लेकिन उसके लिए आ गया कि a ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर आप कह लो कि a बिलोंग्स टू 5, ठीक। फिर हम केस टू की बात करते हैं, अगर एक ही रूट कॉमन है, एग्जैक्टली वन रूट, ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखो क्या करोगे, आप ये करते हो कि हमें क्या, हमने क्या अभी सीखा, हमने सीखा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को आपस में इक्वल करो, डिफरेंस लो, उससे क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और वो जो रूट आएगा वहां से वो कॉमन रूट होगा। यही सीखा हमने कि इन दोनों इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाए। तो यहां पे अगर हम देखें, इसको अगर मैं 1 कहूं और इसको 2 कहूं, तो अगर मैं 1 माइनस 2 करता हूं तो क्योंकि पहले ही x स्क्वायर के कोफिशियंट कैसे हैं, बराबर है, तो अगर हम 1 में से 2 को सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर अपना कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या हमारे पास, सारा है और माइनस का 2a इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2a क्या होगा, हमारा कॉमन रूट होगा। यहां से जो रूट निकल कर क्या है वही क्या होगा, कॉमन रूट होगा। अच्छा, अब अगर ये कॉमन रूट है तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा भाई। अभी हमें क्या पता चला कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, दोनों को सेटिस्फाई करता है, और हमें चाहिए क्या, ए ही चाहिए ना, हमें ए की वैल्यू सी फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, 2a इसको सेटिस्फाई करा दो, 2a जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो 2a का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 0, ये लिखा जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a इज इक्वल टू 0, तो ये कितनी आ गई बात, 2a स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, और यहां से ए के पास आ गया हमारे पास 0 और हाफ,
ठीक है, तो ए के पास दो पॉसिबिलिटीज थी, जीरो और हाफ दोनों ले सकता था। अब यहां पे क्या हुआ, आप जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे थे उसको आप अवॉइड कर गए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि यही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, आपका वो मेथड ज्यादा इजी हो। तो अगर हमें पहले कह रखा है कि एज अ कॉमन रूट आप पहले ये ट्राई करके देख लो, अगर आपको लगता है कि यहां से आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो फिर आप वापस से उसी मेथड पे चले जाओ, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पे देखो आपको क्या दिख रहा है कि अब तीन तीन इक्वेशन है और दो दो अननोन है उसमें से, ठीक है, बहुत सारे अननोन दिख रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो और एक बार को ट्राई करो थोड़ा सोचने का, इसको वन टू और थ्री कॉम्बिनेशन सोचने का ट्राई करो कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब आप यहां पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे सॉल्यूशन, अगर मैं स्टार्ट करूं तो, कि भाई अगर कोई अल्फा था या फिर कोई एक ऐसा था, मतलब मैं कह रहा हूं कॉमन रूट अल्फा था, वो अल्फा अगर मान लीजिए कि इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा था, इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई अगर वो कर रहा था, तो ऑफ कोर्स इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं कुछ भी बनाऊं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये बात ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता हूं जिससे कि ए और बी दोनों खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो बहुत आसानी से मुझे दिख रहा था कि थ्री में से अगर मैं वन को और टू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना, और प्लस का 9 बचेगा इज इक्वल टू 0, और यहां से मुझे x कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 3। यही वो रूट होंगे जो कि कॉमन रूट हो, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बता दिया गया कि सम नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, तो इसका मतलब हम प्लस 3 नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3, और x इज इक्वल टू माइनस 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं हमने क्या किया, 3, 1 और 2 की हेल्प से हमने एक ऐसी इक्वेशन बनाई जिसमें वो अननोन्स हमारे ना रहे, वो आ गई। अब वहां से क्या आया कि x की वैल्यू प्लस माइनस 3 थी, लेकिन हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ऑफ x है, तो इसका मतलब x को हमें क्या लेना है, माइनस 3 लेना है, माइनस 3 आप इसको सेटिस्फाई करा दो कितना आएगा, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देता हूं, 9 प्लस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 8 आ जाएगी, और इसी तरीके से आप इसमें रखो b वाले में, तो 9 प्लस 3b प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो b कितना आ जाएगा आपका, माइनस 10 के बराबर आ जाएगा, ये बात ठीक है, ठीक है। तो a इक्वल टू माइनस 8 और b इज इक्वल टू माइनस 10, ये दोनों आपके लिए करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे, a b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब यहां पे आप सोचो कि आप किसी कॉमन रूट के लिए वो कंडीशन लगाने जाओ तो आपको समझ में आनी चाहिए बात कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एलिमिनेशन वगैरह वाला प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस जो है, अल्टरनेट मेथड यहां पे आसानी से आपका 2-3 स्टेप्स में रिजल्ट दे दे रहा है। तो ये हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ ही ऑब्जर्वेशंस क्रिएट होंगे कि कहां पे कौन सा वाला मेथड ज्यादा बेनिफिशियल है। फर्दर ये थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, आप खुद से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस टू इक्वेशन हैव अ रूट इन कॉमन। सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले आप दो केसेस लेते हैं, केस वन कि बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन, अगर दोनों रूट कॉमन होंगे तो आप क्या करेंगे, कोफिशियंट्स कंपेयर 1/1, यहां पे क्या है ए, यहां पे एक्स का कोफिशियंट 1, यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म 1, यहां पे ए, ठीक है। अब आप देखो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आपके पास आ जा रहा है कि a की वैल्यू कितनी थी, 1 के बराबर। फिर आप आते हैं केस 2 पे कि एग्जैक्टली 1 वाला केस, एग्जैक्टली 1 रूट इज कॉमन, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, अब आप यहां पे देखो आपके लिए ज्यादा कैलकुलेशन मतलब नहीं रहेगी अगर आप सीधा अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं। क्या करना था आपको, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट्स कैंसिल आउट करने थे, आपने क्या किया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करिए क्या बचेगा, a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 के बराबर, है ना। अगर हमारा x 1 है तो x इक्वल टू 1 वो कॉमन रूट हो गया जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता होगा, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन रूट आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को अगर सेटिस्फाई करता है तो सेटिस्फाई करवा दो, a की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू 1 हमने इसमें रख दिया, क्या आया 2 प्लस a, यही आया इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a की बात कितनी हो गई, a कितना है, माइनस 2 के बराबर है, ये बात ठीक है। नेक्स्ट अपन इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है। कॉमन रूट कहा गया कि कॉमन रूट है तो अल्टरनेट मेथड मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये ऑप्शन मेरे पास है। मैं क्या करूंगा,
मैं पहले वो कॉमन रूट ही निकाल लेता हूं, कॉमन रूट क्या आ रहा है। तो आप देखो कि कॉमन रूट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास आया बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस ए टाइम्स सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहां से आप कह सकते हो ना कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आप कह सकते हो यहां से ए के बराबर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप कह सकते हो यहां से कितनी है, ए के बराबर है, है ना। तो अगर हमारा एक्स वन एक्स इक्वल टू ए है तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन रूट हो गया ना। ये जो रूट यहां से निकलता है लीनियर वाला वो क्या होता है, कॉमन रूट होता है। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू जीरो का एक रूट तो ए था, और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो का भी एक रूट ए था। ठीक है, अब आप कुछ सोचो, रूट्स का प्रोडक्ट कितना है, ए सी, एक रूट ए हो गया। अगर अल्फा आपका ए हुआ तो बीटा को आप क्या बोलोगे, सी बोलोगे ना, है ना। और इसी तरीके से यहां पे देखो, अगर आपने अल्फा को ए बोलना है तो आप गामा को क्या बोलोगे, बी बोलोगे। ठीक है, इसके दो रूट्स अल्फा बीटा, इसके दो रूट्स अल्फा गामा, अल्फा जो है अपना कॉमन रूट है। क्यों, अल्फा कॉमन रूट है और उसी को हमने ए कंसीडर कर लिया है, ये बात ठीक थी। तो अब अपन क्या करें, अब हमें पता चल गया कि भाई अदर रूट्स कौन से थे, हमें क्या करना था, हमें इक्वेशन लिखनी थी जिसमें अदर रूट्स आ जाए। तो अदर रूट्स मतलब बीटा और गामा आ जाए, तो बीटा और गामा से क्या इक्वेशन बनेगी, बीटा और गामा से इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस क्या आएगा साथ में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप सोचो खुद कि यहां पे तो हमारा ये सब आ रहा है, यहां पे तो ए हमें प्रूफ करना था, कैसे करें प्रूफ, ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है, लेकिन हमें प्रूफ तो ये करना है ना, इसको कैसे ले आए हम एक्सप्रेशन, क्या तरीका होगा, जरा सोचो आप। इसका मेथड ये होगा, आप देखो अगर कि ए और सी मिलकर के क्या है, माइनस बी के बराबर है, कह सकते हैं हम सम ऑफ रूट्स माइनस बी। तो इसका मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी है। तो अगर ए और सी मिलकर के माइनस बी के बराबर है तो बी और सी मिलकर के कितने हैं, माइनस ए के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए, सॉरी एक्स छूट गया था, एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है कि हमने क्या किया, पहले वो कॉमन रूट निकाल लिया। अब जैसे ही कॉमन रूट निकाला तो जो बाकी बचे हुए रूट से उससे हमने इक्वेशन बना ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमें बस एक छोटा सा मैनिपुलेशन करना था, क्या, बी प्लस सी हमारा कितना है, माइनस ए के बराबर है, कैसे, सम ऑफ रूट से। ठीक है, तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन यहां पे एंड होता है। तो आइए आज के दिन का अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कॉमन रूट से रिलेटेड है। क्या है यहां पे, गिवन टू इक्वेशंस और फाइंड वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वन रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू डबल द रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके के क्वेश्चंस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको, एक बार को आप ट्राई कीजिए खुद से इसको सॉल्व करने का। बहुत सारे लोग कर भी लोगे लेकिन कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा किसका डबल कहाँ पे है, एक्चुअली सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं से होती है। तो आप पहले इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब इसका अगर मैं सोल्यूशन बताऊं तो क्या आएगा, आप ये बोलोगे कि मान लिया मैंने वन रूट ऑफ सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू डबल द रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर इसको कोई अल्फा सेटिस्फाई करता है तो इसको कौन सेटिस्फाई करता होगा, टू अल्फा। कई लोग यही पे इंटरचेंज कर देते हैं, वन रूट ऑफ द सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन का एक रूट पहले इक्वेशन के किसी रूट का डबल है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखो तो यहां पे जब अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एम इक्वल टू जीरो, अपन एक्स से फ्री हो गए। फिर इसी तरीके की कोशिश हमने यहां पे की, फोर अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस थ्री एम इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मैंने वन बोल दिया, इसको टू बोल दिया। अब अल्टरनेट मेथड अपन अप्लाई कर लेते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्फा अगर मेरा आ जाए एम के टर्म्स में तो काम बन जाएगा ना। अल्फा अगर हमारा हमें पता चल जाए तो हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, है ना। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, अल्फा को ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। अल्फा क्या है, दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो आप कह सकते हो क्या कि अगर मैं कहूं कि टू में से आप फोर टाइम्स ऑफ वन हटा दो, फोर टाइम्स ऑफ वन, तो फोर अल्फा स्क्वायर कट गया, माइनस टू अल्फा, और यहां से क्या आया आपके पास, प्लस फोर अल्फा, मतलब टू अल्फा बचा। यहां पे थ्री एम और माइनस का आपने कर दिया फोर एम। ठीक है, तो 2 अल्फा माइनस एम इज इक्वल टू जीरो, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, एम बाई टू, और यही इसको सेटिस्फाई करता होगा। तो आप रख दो फर्स्ट में, फर्स्ट में आपने रखा
अल्फा इक्वल टू m बाई टू, तो m स्क्वायर बाई फोर माइनस m बाई टू प्लस m इक्वल टू जीरो, और यहां से आया m स्क्वायर बाई फोर प्लस m बाई टू इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स m स्क्वायर प्लस टू m इज इक्वल टू जीरो, m इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस टू. ठीक है, आप चाहो तो m की वैल्यूज रख करके यहां पे वेरीफाई कर सकते हो ऐसा. ठीक है, अच्छा जीरो को तो हमें रिजेक्ट करना ही था, m इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, दैट मीन्स फाइनल आंसर विल बी m इक्वल टू माइनस टू. ठीक है, तो यहां पे आपका कॉमन रूट्स का टॉपिक एंड होता है. नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की. ठीक है, थैंक यू.